इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डील्स की। जहां दोस्तों इस फ्लिपकार्ट पर हमें इस डील्स में किस मोबाइल फोन पर कितनी छूट मिल रही है दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर राठी आपका स्वागत करता हूं फालतू टेक चैनल में। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फोटो ई फोर प्लस की, जी हाँ दोस्तों, इस मोबाइल फोन को 9999 रुपये में लॉन्च किया गया था दोस्तों। अभी इस पर छूट मिलकर हमें 9499 रुपये में मिल रहा है। अगर दोस्तों आप SBI के कार्ड से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको इस पर 10% की छूट मिल जाएगी। दोस्तों इस पर पूरी छूट मिलने के बाद आपको ये मोबाइल फ़ोन 8550 रुपये में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 9999 रुपये का मोबाइल फ़ोन जिसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है वो दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में 8550 रुपये का मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम अगले मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं दोस्तों, जो है सैमसंग ओन नेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ओन नेक्स्ट तो 17900 रुपये में लॉन्च किया गया था, जो छूट मिलकर आपको 12900 रुपये में मिलेगा। और दोस्तों इस पर भी हमें SBI के कार्ड से 10% की छूट मिलेगी, जिसके फाइनल प्राइस होगी 11610 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल फ़ोन आपको 11610 रुपये में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों मैं बात करूँगा लिनोवा K8 प्लस की। जी हाँ दोस्तों, लिनोवा K8 प्लस को 10999 रुपये में लॉन्च किया गया था, जिसमें हमें डुअल रियर कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों इसके प्राइस घटाकर 8999 रुपये कर दिए गए हैं। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन पर भी अभी SBI कार्ड के से पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों डिस्काउंट वगैरह घटाने के बाद ये मोबाइल फ़ोन हमें 8100 रुपये में मिल जाएगा, मतलब कि 8100 रुपये में ये मोबाइल फ़ोन हमें मिल जाएगा। वहीं दोस्तों हम अगले मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं दोस्तों, जो है रेडमी नोट 4, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन को 12999 रुपये में लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन के प्राइस घटाकर 10999 रुपये कर दिया। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे 10999 रुपये कर दिया है। और दोस्तों इस कार्ड, इस मोबाइल फ़ोन पर भी हमें SBI के कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों जिसके फाइनल प्राइस हमें मिलेंगे 99900 रुपये, मतलब कि 9999 रुपये। दोस्तों बहुत ही अच्छी डील चल रही है फ्लिपकार्ट पर। दोस्तों आप जल्दी से जल्दी इन मोबाइल फ़ोन को खरीद सकते हैं, आपको जो सा भी मोबाइल फ़ोन बेस्ट लगे। वहीं दोस्तों हम अगले मोबाइल फ़ोन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होगे मी मैक्स 2 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मोबाइल फ़ोन की कीमत 16999 रुपये थी, जिसे घटाकर 12999 रुपये कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, इस मोबाइल फ़ोन पर भी हमें SBI के कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों जिसके फाइनल प्राइस होगी 11700 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आप मी मैक्स 2 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले मोबाइल फ़ोन को फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज के तहत 11700 रुपये में खरीद सकते हैं। हमारे दोस्तों अगला हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो है इसके बगल में, जो है सैमसंग ओन मैक्स। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ओन मैक्स को 16900 रुपये में लॉन्च किया गया था, जिसके प्राइस घटाकर 13900 रुपये कर दिए गए। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन पर भी हमें SBI के कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके फाइनल प्राइस है 12510 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आप 16900 रुपये के मोबाइल को फ्लिपकार्ट की डील से 12510 रुपये में खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट के ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन पर हमें SBI के कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, और फ़ोनपे से अगर हम जो फ्लिपकार्ट का ऐप है फ़ोनपे उससे भी पेमेंट करते हैं, उससे भी हमें कुछ परसेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फोन फोर सेल्फी की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें हमें 13+13 MP का कैमरा मिलता है और जो 3GB रैम और 32GB का स्टोरेज मिलता है। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन को 10999 रुपये में लॉन्च किया गया था, और फ्लिपकार्ट की छूट पर हमें मोबाइल फ़ोन 9999 रुपये का मिल रहा है। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन पर भी हमें SBI के कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके दोस्तों फाइनल प्राइस हो गए 9000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आप इस मोबाइल फ़ोन को 9000 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं दोस्तों हम इसके जेनफोन 4 सेल्फी जो डुअल कैमरे में आते हैं 20+8 MP के, दोस्तों जिसे 15999 रुपये में लॉन्च किया गया था। दोस्तों जिसे में 2000 रुपये की छूट मिलकर हमें 13999 रुपये का मिल रहा है, लेकिन दोस्तों उस पर भी हमें SBI के कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और दोस्तों जिसके फाइनल प्राइस होगी 12600 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल फ़ोन हमें 12600 रुपये में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस डील का फ़ायदा उठा सकते हैं। जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल फ़ोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए फ्लिपकार्ट के ऐप से कम रुपए में मोबाइल फ़ोन को खरीद लीजिए, और 10% डिस्काउंट का भी लाभ उठाइए SBI के कार्ड से पेमेंट करने पर। वहीं दोस्तों हम अपने अगले मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं दोस्तों सैमसंग गलेक्सी S7। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल फ़ोन S7 है, S7 एज नहीं। दोस्तों S7 को 46000 रुपये की रेंज में लॉन्च किया गया था, मतलब कि अब इसके 46000 रुपये दिखाई दे रहे थे फ्लिपकार्ट की डील से पहले। अब दोस्तों फ्लिपकार्ट की डील में मोबाइल फ़ोन 29990 रुपये का मिलेगा, और दोस्तों मुझे लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन पर भी हमें
10% का डिस्काउंट मिल जाएगा SBI के कार्ड से पेमेंट करने पर। चलो अगर दोस्तों इस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है तो ये मोबाइल फ़ोन हमें 26,991 रुपये में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, S7 जैसा मोबाइल फ़ोन हमें 26,991 रुपये में देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों हम अपने अगले मोबाइल फ़ोन की बात करें तो दोस्तों जो है iPhone 7, दोस्तों iPhone 7 को 56,200 रुपये की वैल्यू थी फ्लिपकार्ट डील से पहले, और दोस्तों फ्लिपकार्ट की डील में इसकी वैल्यू 38,999 रुपये कर दी गई, मतलब कि इसके प्राइस 38,999 रुपये कर दिया गया। दोस्तों iPhone 7 जैसा जो 32 GB स्टोरेज में आता है वो दोस्तों हमें 38,999 रुपये में मोबाइल देखने को मिल जाएगा। ये तो दोस्तों चुनिंदा कुछ मोबाइल फ़ोन जिन पर हमें भारी डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों K8 Plus जैसे मोबाइल फ़ोन और E4 Plus पर भी हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आपको इन मोबाइल फ़ोन में से कोई से भी मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो आप अभी फ़ोन उठाइए और फ्लिपकार्ट के ऐप पर जाइए और दोस्तों अपना मनपसंद मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कीजिए और SBI के कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का डिस्काउंट भी पाइए और अपना मनपसंद फ़ोन को घर ले आइए। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ चुनिंदा मोबाइल फ़ोन की जो मैंने आपके लिए चुने के निकाले हैं। अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो फ्लिपकार्ट की डील्स की, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाता रहूँ।